ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। देखो, जो क्लास में नए आए हैं, आज जिनकी पहली क्लास है, तो उनको कुछ रूल्स में बता दूं। शायद अभी कई स्टूडेंट्स नए आए हैं, इसलिए वो पूछ रहे हैं, सर साउंड नहीं है। ठीक एवरीवन, है, ओके। ऑडियो वीडियो क्लियर? हाँ, तो देखो होता क्या है ना, वेट अ मिनट। चंगा जी, ऑल राइट। हाँ, तो हमारे जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि होता क्या है। जैसे ये, जब ये क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है, हाँ जी, तो शुरू के क्या होता है, 5 मिनट्स हमें टाइम चाहिए होता है लिंक को शेयर करने में। देखिए, अगर लिटिल बिट लेट आ रही है, तो मे भी हो सकता है आपकी तरफ से थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो, क्योंकि यहाँ से हमारे पास भी सेम सिस्टम है, हम भी अपने फोन में चेक करते रहते हैं। इधर तो ठीक चल रहा है, ठीक है। तो 5 मिनट ना हमें लिंक सेंड करने में लग जाता है, तो उस टाइम साउंड म्यूट रहता है, ठीक है। तो शुरू का थोड़ा टाइम साउंड म्यूट रहेगा, बट हाँ, जब मैं बोलना शुरू करूंगा, जब लिंक शेयर हो जाएंगे, क्योंकि 100+ ग्रुप्स हैं हमारे पास, उसमें हमारा लिंक शेयर करना पड़ता है। जब लिंक शेयर हो जाता है, उसके बाद फिर हम आपका क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर, ये तो होगी पहली बात। और दूसरी बात, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बता दूं, आपकी जो इवनिंग क्लास है, डेली अपडेट होती है इस नाम से, डेली करेंट अफेयर्स नाम से, ठीक है। डेली करेंट अफेयर्स नाम से डिस्कस होती है, लेकिन इसमें हम सिर्फ करेंट अफेयर्स डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। करेंट अफेयर्स के अलावा हम लोग जीके का पोर्शन भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स भी हमारा डिस्कस होता है, प्लस साथ ही साथ जीके का भी पोर्शन डिस्कस होता है। जीके में जैसे आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं, आपने हेडिंग पढ़ी होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जिनको ना ही कोई ढंग से पढ़ाता है, ना ही कोई ढंग से पढ़ता है, बट क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक मान के चलो आप, या क्योंकि इसमें देखो बताने के लिए कुछ होता नहीं है, समझाने के लिए कुछ होता नहीं है, बस एक बार बता के आप निकल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस कराना जरूरी होता है। अब प्रैक्टिस या तो जैसे मैं आपसे पूछ पूछ के कराता हूँ, वो तरीका है, और दूसरा तरीका है आपसे क्वेश्चंस करवा के। तो आज अभी तक पिछली क्लास में मैं क्या था, मैप पे मार्किंग करवा रहा था। एक तरीका तो आपका मैप वाला हो गया कि मैप पे मार्किंग कर करके आप सीख रहे हो वर्ल्ड ज्योग्राफी में चीजों की लोकेशन। दूसरा तरीका होता है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीख रहे हो। तो एक तरीका तो हमने ट्राई कर लिया, आज दूसरा तरीका भी ट्राई कर लेते हैं। यस और नो? तो शैल वी स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडे? ठीक है, यस और नो, शैल वी स्टार्ट? हाँ सर, कर देते हैं। सर किस बात की देरी है? ओके okay. चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैस्पियन सी की लोकेशन पूछ रहा है। कैस्पियन सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कैस्पियन सी के सराउंडिंग कंट्रीज 100% याद करके जाना है। कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ठीक है, ये ऐसे सीज है, ये बहुत ये कैस्पियन सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो हमेशा से याद कर रखना है, इसके साथ कोताही नहीं बरतनी है, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कैस्पियन सी, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, कौन कौन सी, कितने नंबर, कितनी कंट्रीज से, कौन कौन सी कंट्रीज से कैस्पियन सी इंक्लूड है। 4 कंट्रीज के नाम दिए, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तजाकिस्तान, तजिकिस्तान। तो पहले तो आप इनके नाम बताओ, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, बाकी फिर मैं इसकी लोकेशन दिखाऊंगा, ठीक है। लेट्स रॉक। नई क्लास, फर्स्ट क्लास वाले कौन कौन है आज?
फर्स्ट क्लास वाले कौन कौन है आज? ओके, भाईचुंग है फर्स्ट क्लास, दादर है फर्स्ट क्लास, आंसर दीजिए। ओके, लामू है फर्स्ट क्लास। ऑल राइट सर, तो मैं देख रहा हूँ बी या सी आंसर आ रहा है। नहीं, ईरान हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान नहीं है, हो सकता है ईरान भी हो। मैं पूछ रहा हूँ इनमें से कौन कौन है। ओके ओके, देखते हैं सर। करेक्ट आंसर इज सी। देखो, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, ठीक है, ये कंट्रीज हैं। तो रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। रशिया, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान, तजाकिस्तान नहीं है। थैंक यू आर के जी। तो इसको याद रखने का तरीका, इसको याद रखने का तरीका, तारीख, तारीख याद रख लो, किरत याद रख लो, जो मन करे वो याद रख लो, ठीक है। मैप को जूम, अरे लो मैप बड़ा कर, मैप एक्चुअली ये जूम नहीं हो पाएगा, ये इसमें थोड़ा सा सुविधा नहीं है यार। रुको, मैं सिस्टम चेंज करूं क्या? बाकी लोगों को भी मैप विजिबल नहीं है क्या? चलो मैं दूसरे सॉफ्टवेयर पे इसको अरेंज करता हूँ, वहां पर ये जूम हो जाएगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर पे लेके आता हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। मैं एक्चुअली अभी पावर पॉइंट पे ये नहीं हो पाता है, फुट पे इसको लेके जाता हूँ, वहाँ ये हो। ठीक है, अब देखो, अभी एक मिनट और लगेगा मुझे। सही, अब देखो, अब दिख रहा होगा। हाँ जी सर, अब देखो, दिख रहा है। ओएन जी दिख रहा है? अब दिख रहा है पीडीएफ में अपलोड हुआ है क्या? अरे पीडीएफ के चक्कर पे मत भागा करो आप, ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मैं बाद में, बताइए अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इज दैट क्लियर और नॉट? रशिया, कजाकिस्तान, ठीक है, फिर इधर देखो अजरबैजान, इधर देखो ईरान, इधर देखो तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान।
अब देखो कंफ्यूजन क्या होगा, कंफ्यूजन इसमें होगा टी में होगा और के में होगा, क्योंकि टी से ना दो कंट्रीज हैं, एक है तजाकिस्तान। दिक्कत ये नहीं, याद हो जाता है, याद करने की दिक्कत नहीं, दिक्कत इनकी है, ये कंफ्यूजन आता है। तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, के से भी दो नाम है, एक तो आपका कजाकिस्तान है ही कजाक, एक किर्गिज है, एक किर्गिस्तान है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको इतना ध्यान रखना है, ओके देखो पहला तो आंसर यही है, कैस्पियन सी। मैंने क्या कहा, कैस्पियन सी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और दूसरा आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये सबसे लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड का, ठीक है, कैस्पियन इज द लार्जेस्ट लेक। पापा जी क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताइए जरा, अब मेरे को व्हाट्सएप करिएगा आप जो भी प्रॉब्लम हो रहा हो, ठीक है। ये लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड का, तो देखो तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में कंफ्यूजन होगा, तो ये याद रखना कैस्पियन सी इंडिया से दूर है और ताजमहल का इंडिया में, तो तजाकिस्तान इंडिया के ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। इंडिया के क्लोज क्या, तजाकिस्तान कंपेयर टू तुर्कमेनिस्तान, तो तजाकिस्तान इंडिया के क्लोज है बट कैस्पियन सी इंडिया से दूर है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, तो ये तुर्कमेनिस्तान वाला ऑप्शन रखो। और दूसरा ये याद रख लेना कजाकिस्तान है, ठीक है, ये नहीं है, ये आपको खुद एलिमिनेट करना है, ये तजाकिस्तान किर्गिस्तान ये नहीं है, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये दो कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी से बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर और नॉट, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। अब याद रहेगा कि नहीं रहेगा सर? हाँ जी सर, ऑल राइट सर, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ ये वाला, सी ऑफ अजोव इज लोकेटेड बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सी ऑफ अजोव किन दो कंट्रीज के बीच में, यूक्रेन और टर्की, यूक्रेन और रशिया, टर्की और जॉर्जिया, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, बताइए सर इसका आंसर, एनीवन। देखो अगर आंसर आता है तो बढ़िया बात है, नहीं आता है तो ये सारी लोकेशंस एक जगह कॉपी में लिख लेना, जैसे कैस्पियन सी हो गया, सी ऑफ अजोव हो गया, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले आपको पता हो इन इन चीजों का आपको क्या करना है, रिविजन करना है। कैसे करोगे, मैप पे ड्रॉ करके करोगे, ठीक है, ये लिखते मत रहना कि सी ऑफ अजोव किन दो कंट्रीज के बीच लाई करता है, लोकेशन देखिए और इसको मैप पे प्लॉट करिए। क्वेश्चन स्क्रीन में नहीं है, एक मिनट एक मिनट, अब देखो अब आ रहा है, अब देखो अब आ रहा होगा, देखिए आंसर दीजिए। ठीक है
अब विजिबल है, ठीक है, ओके। तो ए और बी में से ज्यादा आंसर बताया जा रहा है। करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, यूक्रेन और रशिया। हाँ देखो, ये लोकेशन अच्छे से देखना। ये देखो, ये जो है ना, ये यूक्रेन का पोर्शन है और ये रशिया है, ठीक है। ये रशिया है, ये आपका यूक्रेन है, ये यूक्रेन है। यूक्रेन का ये जो पोर्शन है, इसी को कहते हैं क्रीमियन पेनिनसुला, ठीक है। जो आपने सुना होगा, क्रीमिया को एनेक्स कर रखा है। सी नहीं होना चाहिए, बी लगना चाहिए। यूरोप तो इतना सही बात है, घुमाया तो खूब है, ठीक है। तो फ्री में घुमा दिया यूरोप आपको। तो ये पूरा यूक्रेन का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये क्रीमियन पेनिनसुला कहलाता है, क्रीमिया। आपने सुना होगा, जो पहले एनेक्स करा था रशिया ने, पहले ये कैप्चर कर लिया था। रीजन बीइंग, क्योंकि देखो, यहां से अगर रशिया को बाहर एंटर करना है तो इसी रूट से गुजरना पड़ेगा, सी ऑफ अजोव से फिर ब्लैक सी में जाना पड़ेगा। अब लेकिन अगर मान लो इधर से यूक्रेन की फोर्सेस, अगर क्रीमिया यूक्रेन के हाथ में होता, तो यूक्रेन की फोर्सेस इस छोटे से पैसेज को ब्लॉक कर सकती थी, यस और नो? तो इस वजह से रशिया ने अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करा, ये पूरा एरिया ही एनेक्स कर लिया। उन्होंने कहा कि अपना एरिया है, बिंदास यहाँ से निकल, क्योंकि जो नैरो पैसेज रहते हैं वो थोड़ा ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। कापा जी, देखिए, इस तरह के केसेस को हमने रिपोर्ट करा है, और आप भी इस तरह के तुरंत नंबर ब्लॉक करा करिए, तुरंत उसको आप भी रिपोर्ट करिए, ठीक है। हमने भी उसको रिपोर्ट करा है। हाँ जी बिल्कुल। अभी रुको, आपको तो साउथ अमेरिका भी घुमा लाएंगे कुछ दिनों में, मैं साउथ अमेरिका का भी करूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से नैरो पैसेज में थोड़ा सा निकलना मुश्किल होता है, बट चूंकि अब आपके पास यहाँ का भी एक्सेस है, यहाँ का तो है ही, तो आप आराम से यहाँ से निकल सकते, ठीक है। अच्छा, ये जो नैरो पैसेज होता है, वाटर पैसेज, जो दो बड़े लैंड मासेस को सेपरेट करता है, ठीक है, ये जो नैरो पैसेज है, ये क्या कर रहा है सर, दो बड़े लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा है। एक साइड आपका ये यूक्रेन का क्रीमियन पेनिनसुला है, एक साइड आपका ये रशिया है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट वो वाला नहीं, सीधा वाला नहीं, STRAIT, ठीक है। इसको क्या कहते हैं सर, स्ट्रेट, STRAIT। और इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ कर्च। स्ट्रेट क्या होती है, दो बड़े लैंड मासेस को सेपरेट करती है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। एक साइड आपका है सी ऑफ अजोव, और इस स्ट्रेट से होके आप जिस वाटर बॉडी में पहुंचेंगे वो कहलाएगी ब्लैक सी, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है, सी ऑफ अजोव यूक्रेन और रशिया के बीच में है, और सी ऑफ अजोव, ठीक है, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी, ठीक है, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी, इनको कौन कनेक्ट करता है, तो इनको कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ कर्च, ठीक है, कर्च की स्ट्रेट, ध्यान रखिएगा। हाँ, सबसे बड़ी लेक आपकी, बिगेस्ट, हाँ, लार्जेस्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा, लार्जेस्ट लेक इज कैस्पियन सी। हाँ कह सकते हैं, जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको देखने को मिलेगी पाल की स्ट्रेट, ऐसे यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट ऑफ कर्च। चलिए सर, ये तो हो गई सी ऑफ अजोब की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द राइट वन। बे ऑफ बिस्के, इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी आर पार्ट ऑफ द एटलांटिक ओशियन। द स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो सेपरेट्स कॉर्सिका आइलैंड फ्रॉम सर्डिनिया आइलैंड। ये देखो, बे ऑफ, इसमें से एटलीस्ट बे ऑफ बिस्के तो हमने सुना है, अगर आपने क्लासेस करी होंगी तो बे ऑफ बिस्के तो सुना होगा।
हाँ जी सर, इसका आंसर दीजिए। क्या लगता है किसी के पास पता है इसका आंसर? वे ऑफ बिस्क के इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी आर पार्ट ऑफ द एटलांटिक ओशन। फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट का नाम दिया, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो सेपरेट कोर्सिका आइलैंड फ्रॉम सार्डिनिया। वो तो गूगल कर लीजिए, पहले इस तरह का कोई नंबर आए +92, ये हटा देना, ये स्पैम है, ये पाकिस्तान का नंबर होता +92। सेकंड में कंफ्यूजन है। ओके चलो इसका आंसर डायरेक्ट देखते हैं। हाँ तो पहले हमने किसकी, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, बे ऑफ बिस्के इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी, ठीक है। अच्छा ये है आपका बे ऑफ बिस्के इंग्लिश चैनल, और इसी में और ऊपर अगर आप चले जाओगे ना तो आपको मिलेगा नॉर्थ सी, ठीक है। तो ऊपर आपको क्या मिलेगा? नॉर्थ सी। तो ये मैंने बताया था कि जो स्पेन है, स्पेन के पास ये जो बे है इसका नाम क्या? बे ऑफ बिस्के। ये देखो जूम कर करके देखो आज, ठीक है। देखो इधर से याद होगा हमने पढ़ा था, जर्मनी पढ़ा था, फिर इधर साइड पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, फिर ये स्विट्जरलैंड आ गया था, बेल्जियम, ये छोटा सा कंट्री लग्जमबर्ग था, फिर ये नेदरलैंड्स था, फिर हमने कहा था इधर फ्रांस चले जाओगे, फ्रांस से इधर स्पेन आ जाओगे, और स्पेन से आप किधर चले आओगे? पोर्टुगल चले आओगे, और इनके बीच में जो बड़ी सी जगह बची है ये क्या कहलाती है? बे ऑफ बिस्के, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा क्या हो गया? अपना इंग्लिश चैनल। अच्छा किसी ने नोटिस किया कि सर चैनल भी तो स्ट्रेट की तरह होता है ना, स्ट्रेट क्या कर रहा था? दो बड़े लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा था। सेम यहाँ पर हो रहा है, एक लैंड मास ये है, एक लैंड मास ये है, बट यहाँ पर हम स्ट्रेट ना बोल के क्या बोल रहे हैं? चैनल बोल रहे हैं, ठीक है। देखो तीन वर्ड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट, एक होता है चैनल, ठीक है, और तीसरा होता है पैसेज। तीन वर्ड्स होते हैं, स्ट्रेट, चैनल, पैसेज। अगर बहुत ज्यादा नैरो रास्ता, अगर बहुत ज्यादा नैरो है तो स्ट्रेट है, अगर थोड़ा सा ब्रॉड हो गया तो चैनल है, और ज्यादा ब्रॉड हो गया तो वो पैसेज है, ठीक है। तो स्ट्रेट से चैनल से पैसेज ब्रॉडनेस बढ़ती रहती है, यानी चैनल कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा नैरो नहीं है। तो ये किस किस के बीच में साफ दिख रहा है? फ्रांस और यूके, इनके बीच में क्या आपका? इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो ये किसको सेपरेट कर रहा है? यूके और फ्रांस। और इसमें ऊपर चले आओ, नॉर्थ सी मिल जाएगा। चलो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है? स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो किसको सेपरेट कर रही है? ये देखो ये इटली है, ये इटली है, ये आपका कोर्सिका आइलैंड है, फ्रांस का है, ठीक है। ये आइलैंड का नाम क्लियर नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, ये इस आइलैंड का नाम क्या? कोर्सिका। ये फ्रांस की टेरिटरी है। फिर इसके नीचे एक और आइलैंड है, इसका नाम है सर्डिनिया, ठीक है। ऊपर है कोर्सिका और नीचे क्या है? सर्डिनिया। और इन दोनों को जो सेपरेट करता है ये स्ट्रेट है, इन दोनों को जो सेपरेट करती है उसे कहते हैं स्ट्रेट, और वो कहलाती है स्ट्रेट ऑफ बॉनी फेशियो, ठीक है। वो क्या कहलाएगा सर आपका? स्ट्रेट ऑफ बॉनी फेशियो। तो कोर्सिका और सार्डिनिया, इनको जो सेपरेट करने वाली स्ट्रेट है उसका नाम क्या है सर? स्ट्रेट ऑफ बॉनी फेशियो, ठीक है सर। इज दैट क्लियर और नॉट? तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, बोनिफेशियो सेपरेट आइलैंड फ्रॉम सार्डिनिया। एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि कोर्सिका आइलैंड किसका है? फ्रांस का है। सार्डिनिया किसका है? इटली का है, ठीक है। अच्छा एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया, वो पता है किसका है? डिएगो गार्सिया।
डियागो गार्सिया एक और आइलैंड कंट्री है, इंडियन ओशियन में है वो, ठीक है। आगे देखो हो सकता है क्वेश्चन में आए, डियागो गार्सिया इज ए कंट्री ऑफ इंडियन, इज एन आइलैंड कंट्री ऑफ इंडियन ओशन, वो किसका पार्ट है? मिलिट्री बेस है आपका वहां पर, उसका क्या कहते हैं, यूएसए का, बट वो है किसका पार्ट? डियागो गार्सिया देखो ध्यान रखना है, ये मिलिट्री बेस तो यूएसए का बना है, बट ये यूके का पार्ट है। अरे डेप्थ कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप रेगुलर क्लास करोगे तो मैंने वर्ल्ड मैप में ही बहुत सी चीजें पढ़ा रखी हैं और इनको भी प्रैक्टिस करा दूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ याद रखने वाली चीज है ही नहीं, ये प्रैक्टिस का सारा खेल है। आपको मैंने बोल रखा है एक ब्लैंक वर्ल्ड मैप लीजिए, उसमें अपने आप देख देख के चीजों को प्लॉट करने की कोशिश करिए। कॉपी में समझ लिया, फिर बंद कर दिया, उसके बाद क्या करना है, अपने आप से उन्हें प्लॉट करने की कोशिश करनी है। इसी तरह से पॉलिटिकल मैप ले लो और अपने आप से उसमें आइडिया लगाओ कि हाँ ये जर्मनी था, फिर ये फ्रांस है, फिर ये इटली है, फिर ये स्पेन है, इधर बे ऑफ बिस्के है, इधर मेडिटेरियन सी है। ये चीज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से डेवलप होगी, ये याद करने से नहीं आएगी, ठीक है। एलन जॉन्स क्लियर है जी आपको? बस प्रैक्टिस से आएगी सर ये चीज। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन द एजियन सी एंड द सी ऑफ मरमरा? ये थोड़ा सा फेमस सवाल है, पता होना चाहिए। हाँ डियागो गार्सिया अभी तक यूएस यूएसए का कंट्रोल नहीं, यूएसए ने परमिशन ले रखी है, मिलिट्री बेस बना रखा है अपनी। हाँ जी सर, देखो कमेंट तो करो, कुछ भी कमेंट करो उससे, ताकि कुछ तो दिमाग में जाए। मैं क्या ना बोलूं, विच स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन, एक साइड आपके एजियन सी है, एक साइड आपका एजियन सी है, एक साइड आपका सी ऑफ मरमरा है, इनके बीच में कौन सा स्ट्रेट है वो पूछ रहा है। चलो सर अब आंसर देखते हैं, याद रखना स्ट्रेट ऑफ डार्डेनाउस। ये हॉलीवुड की मूवीज देखा करो, आधे नाम तो ऐसे ही याद हो जाते हैं ये लोग। अच्छा इससे ऊपर क्या था ना, इससे ऊपर आपका कोई था, ये ब्लैक सी है ना, याद करो इससे ऊपर क्या था, सी ऑफ अजोब, याद है इससे ऊपर क्या पड़ा था, सी ऑफ अजोब, और यहाँ पर कौन सा स्ट्रेट था, स्ट्रेट ऑफ कर्च, स्ट्रेट ऑफ कर्च, बहुत बढ़िया। फिर ब्लैक सी के बाद इधर आपको मिलेगा सी ऑफ मरमरा, ये वाला ये सी ऑफ मरमरा है, ये ब्लैक सी है, फिर इधर आ जाएगा आपका एजियन सी, ठीक है, ये आ गया आपका एजियन सी। तो ब्लैक सी और मरमरा सी, इनको जो कनेक्ट करता है उस स्ट्रेट को क्या कहते हैं, सॉरी मरमरा सी ऑफ मरमरा, इसको तो बॉस्फोरस कहेंगे, बॉस्फोरस आगे आएगा, ये जो मरमरा और एजियन इनको कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसको क्या कहेंगे, डार्डेनल्स। इधर ब्लैक सी और अजोब को जो कनेक्ट करता था वो था कर्च, इसी तरह से मरमरा और एजियन इनको कौन कनेक्ट करता है सर, डार्डेनल्स। मतलब ये सब एक सिक्वेंस में है, अजोब है, फिर ब्लैक सी है, फिर सी ऑफ मरमरा है, फिर एजियन सी है, ठीक है, एजियन सी, ए से शुरू ए पे खत्म। अजो अजो वो ब्लैक सी को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ कर्च,
लैक्स मरमरा और एजियन सी को कनेक्ट करता है डार्डेनल्स, और इनको अभी आप आगे पढ़ोगे बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो बॉस्फोरस कनेक्ट। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द राइट वंस। द हाइएस्ट पीक ऑफ द अल्प्स माउंटेन इज द माउंट ब्लैंक। द हाइएस्ट पीक ऑफ यूरोप इज माउंट एल्ब्रूस इन द कॉकेशस। बताइए सर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द राइट वन। द हाइएस्ट पीक ऑफ द अल्प माउंटेन इज द माउंट ब्लैंक। द हाइएस्ट पीक ऑफ यूरोप इज माउंट एल्ब्रूस इन द कॉकेशस। ये क्वेश्चन बनने लायक है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनना चाहिए। बाकी लोग भी आंसर दीजिए। ठीक पहले डी आ रहा था, फिर डी से अब मैंने ट्रेंड चेंज होते देखा है, ए हो गया। ठीक बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट ठीक है। पहला की स्टेटमेंट क्या है, द हाईएस्ट पीक ऑफ अल्प्स माउंटेन इज द माउंट ब्लैंक। पहले तो अल्प्स माउंटेन कहाँ है, ये यूरोप में आप चले आओ। ठीक है, तो यूरोप में अगर आप आ जाओ, जैसे इधर आपका स्विट्जरलैंड है, तो जर्मनी से नीचे देखो, ठीक है, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, इनके नीचे देखो, फिर इधर ऑस्ट्रिया पकड़ लो, एक छोटी सी कंट्री लिंचिस्टीन पकड़ लो, ठीक है, तो इस एरिया को जो कवर करने वाला माउंटेन है वो क्या है, अल्प्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, अल्प्स किस कॉन्टिनेंट में, तो पता होना चाहिए अल्प्स आपको कहाँ मिलेगा सर, यूरोप में मिलेगा। ठीक है, अल्प्स माउंटेन हमें कहाँ मिल रहे हैं, यूरोप में मिल रहे हैं। तो ये जो यूरोप में जर्मनी से नीचे वाला, फ्रांस से नीचे वाला ये जो पोर्शन है, ये क्या आपका अल्प्स माउंटेन। यहाँ पर आपको एक मिलेगा माउंट ब्लैंक, से कलर से दिखा देता हूँ मैं, यहाँ मिलेगा एक माउंट ब्लैंक 4807 मीटर उसकी। ठीक है, ये माउंट ब्लैंक, इससे ऊंचा कोई पॉइंट आपको देखेगा नहीं। इट इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द अल्प्स माउंटेन। ठीक है, अल्प्स माउंटेन की अगर हम हाइएस्ट पीक की बात करें वो क्या है, माउंट ब्लैंक। ठीक है, अब पूरे यूरोप की बात करता है, अगर पूरे यूरोप की अगर आप बात करोगे तो ये तो देखो टर्की है, ठीक है, ये यूक्रेन है, तो इधर आपको एक मिलेगा माउंट एल्ब्रूस, ये हाईएस्ट है यूरोप का। यूरोप का हाईएस्ट पीक याद रखना क्या है, माउंट एल्ब्रूस। हाँ जी सर, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इज दैट क्लियर और नॉट। अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, जा रहा है चीजें कि नहीं जा रही दिमाग में। ओके सर, ठीक है, तो माउंट ब्लैक तो सिर्फ अल्प्स का हाईएस्ट है, ओवरऑल पूरे यूरोप का हाईएस्ट कौन सा है, एल्ब्रूस है। कोई मेरे को एल्ब्रूस की हाइट बता सकता है, हाइट ऑफ माउंट एल्ब्रूस, हाइट ऑफ माउंट एल्ब्रूस।
ओके, बहुत सारा नया नेम्स है। देखिए, इसकी कोशिश एक दिन में नहीं होगी, ठीक है? ये एक दिन का खेल नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस मांगता है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, ये सारी चीजें मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आज इसको दूसरे फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस के फॉर्म में, ठीक है? तो याद सब हो जाएगा, बस प्रैक्टिस चाहिए। कुछ 5,000 के करीब इसकी हाइट है, 5,000+ जैसी इसकी हाइट है। खैर, याद नहीं रखनी, बट एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ। ये जितने भी नाम है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम्स हैं। जितने भी आपको क्वेश्चन में नेम मिल रहे हैं ना, ये नेम जरूर नोट कर लेना, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम्स हैं। ये प्रिनीज माउंटेन्स दो कंट्रीज के बीच बाउंड्री बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। प्रिनीज माउंटेन्स दो कंट्रीज के बीच, तो वो दो कंट्रीज के नाम पूछ रहा है, बताइए जनाब। ठीक है, प्रिनीज माउंटेन क्या है? दो कंट्रीज के बीच बॉर्डर बनाते हैं, तो वो कंट्री के नाम पूछ रहा है। हाँ जी सर, बताइए। चलिए देखते हैं, बिल्कुल। याद करो, इधर साइड आपका जर्मनी था, जर्मनी निपटा के अपन इधर फ्रांस आए थे, है ना? फिर फ्रांस से फिर इधर स्पेन आ गए थे, फिर पोर्टुगल आ गए थे। ये बे ऑफ बिस्के भी हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर जो बॉर्डर है फ्रांस और स्पेन का, यहाँ पर आपको माउंटेन्स मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं सर? प्रिनीज। यहाँ पे जो बॉर्डर बनता है उसको हम क्या कहते हैं सर? प्रिनीज। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में प्रिनीज है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं और पूछूं, इसमें से बे ऑफ बिस्के से बाउंड्री कौन करता है? बे ऑफ बिस्के को कौन टच करता है? कौन से दो कंट्री बे ऑफ बिस्के को टच करते हैं? तो ए बी सी डी क्या ऑप्शन बताएंगे? राघव जी, हो सकता है इंटरनेट का इशू है इसलिए लेट आ रहा हूँ। बे ऑफ बिस्के अगर पूछ ले तो क्या बताओगे आप? बिल्कुल, स्पेन एंड फ्रांस, स्पेन एंड फ्रांस ही बताएंगे। ये रहा ना बे ऑफ बिस्के, इधर साइड ये स्पेन है, इधर साइड फ्रांस है। पोर्टुगल की कैपिटल लिस्बन, स्पेन की मैड्रिड। नहीं, सर, फ्रांस एंड जर्मनी नहीं, स्पेन एंड फ्रांस रखोगे, ठीक है आप? स्पेन एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, अभी कुछ टाइम पहले क्या पूछा था? कैस्पियन सी से बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ रहा था, अब वो किससे पूछ रहा है? ब्लैक सी से बॉर्डरिंग कंट्रीज। अच्छा, अभी ब्लैक सी पढ़ते पढ़ते इतना तो आइडिया लग गया कि ये टर्की वाला एरिया है इधर। तो ब्लैक सी से कौन कौन से कंट्री बॉर्डर कर रही है, ये पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड सर्कल द ब्लैक सी, बताइए। रशिया, टर्की, जॉर्जिया, ग्रीस। नहीं आंसर, चलो देख लेते हैं ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज। अब देखो, मैप में यही खास बात होती, वही चीजें रिपीट होंगी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे ये सी ऑफ अजोव, ये सी ऑफ मारमरा, फिर ये क्या आ गया? ब्लैक सी आ गया। इधर छोटा सा पड़ेगा एजियन सी, है ना? तो सी ऑफ अजोव, फिर ये यूक्रेन रशिया के बीच पड़ रहा था। अब ब्लैक सी को देखो किस किस से बॉर्डर बना रहा है, ये यूक्रेन है, रशिया है, फिर इधर जॉर्जिया है, टर्की है, फिर
बल्गारिया है, रोमानिया है, ध्यान रखना मॉल्डोवा नहीं है, ठीक है, यूक्रेन, रशिया, फिर कौन सा है, जॉर्जिया, टर्की, फिर बल्गेरिया, और फिर से ठीक है, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया, तो ये पांच कंट्रीज है जो किससे बॉर्डर बना रहे हैं सर, ब्लैक सी से। तो ग्रीस तो नहीं बना रहा है, ठीक है, इतना तो मैं पता है, ग्रीस अगर नहीं बना रहा है, ग्रीस एलिमिनेट कर दो, ये चला गया, ये ऑप्शन चला गया, और रशिया तो बना रहा है, टर्की बना रहा है, जॉर्जिया बना रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, 1 2 है। रोमानिया नहीं बनाएगा, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ रोमानिया भी बनाएगा, ठीक है, रोमानिया, बल्गेरिया, दो, ठीक है, रोमानिया, बल्गेरिया, रोमानिया भी है, ठीक है, ठीक आरजीयू में पढ़े हैं आप लोग, आरजीयू, आरजीयू घूमने गए हैं, आरजीयू, हाँ आरजीयू में कैंटीन है, बटर बढ़िया मिलता है वहां, वहां एक कैंटीन में मतलब बटर के पकौड़े मिलते हैं, अब ध्यान रख लेना, याद रहेगा, ठीक है, यही बताना था, कुछ तो बनाओ ट्रिक रिक, आरजीयू, आरजीयू में बटर बढ़िया मिलता है, ठीक है, आरजीयू बीटीआर, अब इससे याद रहेगा ना, रोमानिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, अब ये मत करना कि बी से ब्रिटेन कर दो, ठीक है, इतना थोड़ा अपने ऊपर एहसान कर लेना कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना कि पता चला बी से ब्रिटेन लगा के आ जाए ना, बी से बल्गेरिया है, टी से टर्की है, आर से रशिया है, आसपास की कंट्री है, ऐसा ना हो कि इसमें तुर्कमेनिस्तान कंफ्यूज होना, सर तुर्कमेनिस्तान का था कि तजाकिस्तान था, भाई कोई 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 सा स्थान नहीं था इसमें, आपका टर्की है, ठीक है, तो रोमानिया और जॉर्जिया, यूक्रेन, फिर आपका बल्गेरिया, टर्की और रशिया, हाँ अगली बार बटर खाना वहां पे तो कहना भाई तुम तो बड़े महान इंसान हो, ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज याद कराते हो, तो जो कैस्पियन सी था, कैस्पियन सी के लिए क्या बनाया था हमने, तो वही तारीख पे तारीख चली रही है, और ब्लैक सी के लिए क्या हो गया, आरजीयू बटर, ठीक है, ऑल राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द यूरोप आर नोन एज बाल्टिक स्टेट, बाल्टिक कंट्रीज, देखो मैंने बताया था ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक हाँ देखो यही जी एस है, आपने आरजीओ को कनेक्ट कर दिया ब्लैक सी से, अगर आरजीओ में बटर बढ़िया नहीं मिलता तो आपको कैसे याद होती है ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज, बिल्कुल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज बाल्टिक, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तो मतलब मैप क्लियर नहीं है थोड़ा सा, फिर भी ये एस्टोनिया है, ये लातविया है, ये लिथुआनिया है, ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तो इधर आपका बाल्टिक सी है, ठीक है, अभी मैं मैप की और प्रैक्टिस कराऊंगा, इसमें और क्लियरिटी से दिखा दूंगा, ये मैप थोड़ा सा कम क्लियर है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, ये किससे कर बॉर्डरिंग है, ये इनको बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं क्योंकि ये बाल्टिक सी के क्लोज है, अच्छा बेलारूस मत लगा देना, ठीक है, कई लोगों को लगता है सर बेलारूस, बेलारूस नहीं है, ठीक है, बेलारूस नहीं होगा,
इन्हीं तीन कंट्रीज को हम बाल्टिक स्टेट कहते हैं। फिर इधर लिथुआनिया से बॉर्डर करता है एक कंट्री रशिया। अच्छा रशिया वैसे इधर वाला हिस्सा है रशिया का, लेकिन होता क्या है ना कि रशिया का एक छोटा सा पोर्शन इधर भी है, ठीक है। रशिया का एक छोटा सा पोर्शन है, किस किस के बीच फंसा हुआ है, इधर लिथुआनिया और नीचे आपका पोलैंड, ठीक है। तो लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में छोटा सा एक और पोर्शन है जो रशिया का फंसा हुआ है। चलो भाई डिनर करने का टाइम हो गया लोगों का। ओके सर, अरे कर लेना भाई, चलो बिल्कुल करो, ठीक है। मेरा भी टाइम हो गया डिनर करने का, मैं तो मेरे को तो दिन में एक ही बार खाना होता है। चलो सर ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं। आज उम्मीद होगी क्लास में चीजें याद आई होंगी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें करें। कैस्पियन सी पे सवाल आ जाता है ना, आपका ब्लैक सी पे भी सवाल आता है, जिन जिन पे सवाल आते हैं। आपका जैसे अजोव सी है, ठीक है, और आपका स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स की बात करी हमने, कर्च स्ट्रेट मैंने अलग से बता दिया था, बाल्टिक नेशंस अभी हमने देख लिए, बाल्कन पेनिनसुला की भी एक बार वो मैपिंग में बात करी थी, ठीक है। तो ये सारे ऐसे जनरल से क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। एक्चुअली अभी फास्ट चल रहा है, अभी रमजान चल रहा है ना, तो फास्ट चलता है, तो अभी एक ही टाइम खाना। चलिए सर ठीक है, तो कैस्पियन सी, ब्लैक सी, अजोव सी, डार्डेनल्स, कर्च, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, इन सबको एक जगह नोट कर लेना है और इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंक में मैप लेके आओ, उसमें प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा इतनी बुरी हालत तो नहीं होगी ना कि मतलब जहां रशिया बना है वहां उसको ब्लैक सी बोल दो आप। सी मतलब वो पानी वाले पोर्शन में ही लगाना है, ठीक है। सी मतलब पानी वाले पोर्शन में ही लगाना है ना, मतलब रशिया को बना दिया ब्लैक सी। ऑल राइट ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करो। ऐसी हम और भी क्लासेस करेंगे, और भी क्वेश्चन आगे इसी तरह के डिस्कस करेंगे। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने हमेशा से यही कहता हूँ, ना कोई पढ़ता है ना कोई ढंग से पढ़ाता है, तो जरूरी यह है कि इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद से भी करते रहो। चलिए सर फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।